अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोगों की सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो हम लोग जो है वो आज जिनकी स्मॉल आइज़ होती हैं उन लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को शो भी करूँगी कि हम लोग जो गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से हमारी आँख जो है वो छोटी लग रही होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो हमारी डू वाली आई है उसके ऊपर मैंने एक लाइट ब्राउन शेड ले लिया है, और उसके साथ हम एक क्रीज क्रिएट करेंगे। एक तो हमारी एक्चुअल क्रीज है, हम उस क्रीज के ऊपर जो है वो ये शेड लगा रहे हैं, और एक एक जो क्रीज है उसका ह्यू जो है वो क्रिएट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं ऑल द वे अप जा रही हूँ, लाइक मैं बिल्कुल जो ब्राउ बोन एरिया है उसकी तरफ जा रही हूँ, और वहाँ पर जो है वो सर्कुलर मोशंस के साथ एक क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। सेम शेड लिया है, और ब्रश आपको मैं दिखाना भूल गई थी, तो ये ब्रश है हमारे पास, एक बड़ा फ्लफी सा ब्रश है। तो उसके साथ जो है वो मैंने अब क्रीज जो है क्रिएट की है। क्रिएट करने के साथ साथ जो आउटर एरिया है हमारा, वहाँ पर भी हमने शेड को अप्लाई करना है, और उसको जो है हमने बाहर की तरफ निकालना है शेड को। इस तरीके से करने से भी आपकी आँख जो है वो थोड़ी बड़ी लगती है। जो है हम डोंट वाले पार्ट पे आ गए। यहाँ पर भी मैंने जो शेड है वो सेम शेड लिया है, ब्राउन शेड, लेकिन यहाँ पर हम जो क्रीज एरिया है, जो एक्चुअल क्रीज एरिया है आई का, सिर्फ वहीं पर अप्लाई करेंगे शेड, और आउटवर्ड्स भी नहीं निकालूंगी, ताकि जो आँख है वो थोड़ी अच्छा इस तरीके से जब हम आइज़ क्रिएट करते हैं जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो जिनकी बड़ी आँख है उनके लिए ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी छोटी आँख होती है तो वो आँख जो है वो मज़ीद आपकी बिल्कुल छोटी लगने लगती है, क्योंकि डार्क शेड जब आप लिड पे लगा देते हैं तो वो आँख को आपकी और छोटा दिखाता है। तो जिनकी भी छोटी आइज़ हैं, कोशिश करें कि जो लिड एरिया है वहाँ पर आपने एक लाइट शेड लगाना है। क्रीज पे आप चाहें तो डार्क शेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिड पे आप लाइट शिमर्स या फिर मैट शेड जो है वो लाइट में लगाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से मैंने दोनों आइज़ की क्रीज क्रिएट कर ली, और यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बहुत दफ़ा जो है वो ब्लेंडिंग वाला पार्ट जो है वो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ या फिर मैं स्किप करती हूँ उसको, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लेंडिंग आपने लाजमी करनी है, और प्रैक्टिस बोर्ड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको 2-3 दफ़ा ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर एक गोल्ड शिमर मैंने अप्लाई किया है, और लिड एरिया से थोड़ा सा आगे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि और ज़्यादा जो हमारा लिड का एरिया है वो बड़ा लगे, और उसकी वजह से हमारी आँख भी बड़ी लगेगी। तो ये जो है वो थोड़ा सा ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों को बतानी थी, वरना लुक्स जो हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, और अगर किसी की बड़ी आँखें तो वो दोनों ही लुक्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी आई के हिसाब से मेकअप करना होता है। तो दूसरी आँख पे भी हमने शिमर अप्लाई कर दिया, और जो ब्राउन शेड पहले ही लगा हुआ था उसके ऊपर मैंने फिर सेम वही गोल्ड और एक और शिमर था, तो दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से मैंने शिमर भी अप्लाई कर दिया, और उसके बाद एक बार फिर से मैंने ब्राउन शेड लेके और क्रीज़ को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया, क्योंकि वो जो शेड है वो क्रीज़ पर भी अप्लाई हो जाता है, तो फिर क्रीज़ एरिया जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता, तो आपने एक दफ़ा फिर से जो शेड है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, और इसके साथ में जो बिल्कुल आउटर कॉर्नर का एरिया है वहाँ पर एक लाइनर की तरह मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, और ये वाला ब्राउन शेड है, तो इसके साथ मैंने एक कॉर्नर पे एक लाइन की तरह जो है वो ब्रश के साथ क्रिएट करनी है। इस तरीके से हमने लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा तो था कि मैं पूरा ब्लैक लाइनर लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने एंड में लाइनर को स्किप कर दिया। लाइनर जो है वो भी छोटी आँख पे जब आप लगा रहे होते हैं वो भी बिल्कुल आपकी आँख को जो है वो गोल कर देता है, तो वो भी अगर आप
लगाते हैं तो आपको चाहिए कि बहुत ही थिन लाइनर लगाएं। तो खैर मैंने तो नहीं लगाया लाइनर, मैंने सिर्फ जो जो लोअर लैश का एरिया है वहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर दे दिया, नीचे भी हमने ब्लैक कलर दे दिया, लाइक स्मोकी आई वाला इफ़ेक्ट है कि ऊपर भी हमारा एक डार्क शेड है और लोअर लैश लाइन पे भी। तो इस तरीके से जब छोटी आईज़ होती हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो दबी दबी सी लगने लगती हैं। जबकि जो दूसरा हमने आई लुक किया है वहाँ पर मैंने एक ब्राउन शेड लगा कर और बिल्कुल जो लैश का एरिया है लोअर लैश का वहाँ पर हमने शिमर देना है। लोअर लैश लाइन पर भी आपने बहुत ही लाइट शेड्स अप्लाई करने हैं और शिमर भी देना है ताकि उसकी वजह से आँख जो है वो थोड़ी आपकी बड़ी लगे। और साथ में लैशेस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर आप छोटी आँख पे बहुत बड़ी हैवी लैशेस लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आपकी आँख जो है वो झुक जाती है उसकी वजह से। तो आपने कभी भी जो हैवी लैशेज़ हैं ब्राइडल लैशेज़ नहीं लेनी है और कोशिश करें जो नेचुरल आपको लग रही हो थोड़ी वो वाली लें, थोड़ी थिन सी हो, ज़्यादा हैवी ना हो, जो इनर एरिया है वहाँ से हैवी ना हो, अगर आउटर एरिया से हैवी है तो इट्स ओके, उसकी वजह से भी थोड़ी आपकी आँख जो है वो खुली खुली लगती है। लेकिन अगर पूरी एक जैसी बनी हुई है बहुत ज़्यादा हैवी तो वो आपके लिए नहीं है। तो हमेशा ख्याल रखें जिनकी भी छोटी आईज़ है, उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और देखते रहें चैनल। आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट टाइम एक नए ट्यूटोरियल के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।